टाइम नहीं आपके पास, 10 घंटे, उसको बचा लो। सभी का दुर्लभ प्राणी संस्थान में स्वागत है। वैसे तो आप सभी ने हिट वेब सीरीज तो बहुत देखी होगी, पर आज मैं आपको वही टॉप सिलेक्टेड वेब सीरीज बताने वाला हूँ जो 2020 के एंड में रिलीज हुई है और जिनमें डायलॉग, सस्पेंस, क्राइम, रोमांस सब कुछ वन ऑफ द बेस्ट है, पर फिर भी आपने इनको देखना शायद मिस कर दिया है। साथ ही आपका भाई हमेशा की तरह ये भी बता देगा कि इन सभी सीरीज को फ्री में और हाई क्वालिटी में कैसे देखना है। तो आप जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा और मैं शुरू करता हूँ आज का टॉप 10 काउंटडाउन। नंबर 10 पे है टेल्स ऑफ मिस्ट्री। ये सीरीज क्राइम और मिस्ट्री पर बेस है, यानी आपके सामने एक क्राइम से भरी हुई पजल को रखा जाएगा जिसे आप इसके सीजन 1 के 5 एपिसोड और सीजन 2 के 6 एपिसोड के साथ कुछ हद तक सॉल्व कर लोगे, पर 2020 के एंड में आए इसके सीजन 3 के 6 एपिसोड देखने के बाद ही आपका पजल कम्प्लीट होगा। और इसे रिलीज किया गया है बंगाली लैंग्वेज के अंदर होइचोई पर, और साथ इसके तीनों सीजन को हिंदी में भी डब किया गया है, और उन्हें देखने के लिए इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। नंबर 9 पर है पेपर। ये सीरीज 18 प्लस ड्रामा पर बेस है जिसमें इंडिया के एक बहुत बड़े स्टाम्प पेपर स्कैम की कहानी को दिखाया गया है कि कैसे वो इस काम को शुरू करता है और लगभग एक दशक तक नकली स्टाम्प पेपर बनाकर लोगों को बेचता है और इस काम से वो करोड़ों में पैसा इकट्ठा कर लेता है। इसके अलावा आप इसमें काफी एडल्ट सीन और रोमांस का भी लुत्फ उठा सकते हैं, और ये सीरीज ऑफिशियली उल्लू पर रिलीज की गई है। नंबर 8 पर है क्रिमिनल जस्टिस सीजन 2। ये सीरीज क्राइम पर बेस है जिसमें एक बहुत बड़े लॉयर की हत्या उसकी पत्नी कर देती है। अब इसमें कितना सच और कितना झूठ, ये सब खुलासा करने के लिए लॉयर की वाइफ की तरफ से केस लड़ने आएंगे हमारे सबके चहेते पंकज त्रिपाठी। अभी क्या वो इस सारी सच्चाई सामने ला पाएंगे, ये सब देखने के लिए आपको ये सीरीज कम्प्लीट देखनी होगी, और ये सीरीज ऑफिशियली हॉटस्टार पर रिलीज की गई है। नंबर 7 पे है तकदीर। ये सीरीज क्राइम और मिस्ट्री पर बेस है जिसमें एक फेमस जर्नलिस्ट का मर्डर करने के बाद उसकी लाश एक फ्रीजर वैन में डाल दी जाती है, और वैन का ओनर जब उसे देखता है तो वो उसे छुपाने में लग जाता है, और उसके इसी गलती की वजह से पुलिस उसके पीछे लग जाती है। और अभी ये दौड़ कहां खत्म होती है और क्या क्या नए क्राइम को अंजाम देती है, ये सब इसे देखने पर ही पता चलेगा। और ये ऑफिशियली होइचोई की सीरीज है, पर आप इसे हिंदी में एमएक्स प्लेयर पर फ्री में देख सकते हो। नंबर 6 पे है एके वर्सेस एके। ये सीरीज कॉमेडी और ड्रामा पर बेस है जिसमें एक फिल्म प्रोड्यूसर एक फिल्म स्टार की बेटी को किडनैप कर लेता है और उसको 10 घंटे का टाइम देता है कि वो अपनी बेटी को ढूंढ सके तो ढूंढ ले, और उसकी इसी रियल स्टोरी को रिकॉर्ड करता है। पर ये जितनी सिंपल लग रही है उतनी है नहीं, क्योंकि इसमें बेहतरीन क्राइम भी टाइम टू टाइम आपको देखने को मिलेंगे, और अभी क्या उसकी बेटी जिंदा बचती है या नहीं ये सब देखने पर पता चलेगा। और ये सीरीज ऑफिशियली नेटफ्लिक्स पर रिलीज की गई है। नंबर 5 पर है बैड बॉय बिलियनियर। ये सीरीज क्राइम और बायोग्राफी पर बेस है जिसमें इंडिया के बहुत सारे जाने मानी हस्तियां जैसे नीरव मोदी और विजय माल्या को बेस रखकर एक इंसान की पूरी स्टोरी के जरिए उसके फ्रॉड दिखाने का काम करती है, और काफी अनसुलझी स्टोरीज आपको इसमें देखने को मिलेगी कि इंडिया में किस तरह लोगों ने फ्रॉड के जरिए पैसे कमाए, और ये ऑफिशियली नेटफ्लिक्स द्वारा रिलीज की गई है। नंबर 4 पे है तेज। ये सीरीज एक्शन और थ्रिलर पर बेस है जिसमें कुछ दोस्तों की कहानी है जिनकी एक गलती की वजह से उनकी सारी दुनिया ही उजड़ जाती है, जिसके बाद वो अपने बचाव के लिए क्या क्या क्राइम करते हैं और क्या अपने आप को इस जंग में वो लास्ट तक जिंदा रख पाते हैं, ये सब कंप्लीट देखने पर ही पता चलेगा। बाकी पूरी सीरीज में कहीं कोई एक्शन की कमी नहीं है, और ये सीरीज ऑफिशियली G5 पर रिलीज की गई है। नंबर 3 पर है श्रीकांत बशीर। ये सीरीज एक्शन पर बेस है जिसमें दो जाबाज ऑफिसर को दिखाया गया है जो कहने में तो पुलिस ऑफिसर है पर उनके काम करने का तरीका किसी क्रिमिनल से कम नहीं है, यानी वो किसी भी रूल को नहीं मानते हैं पर फिर भी वो क्राइम को जरूर खत्म करते हैं। अभी उनकी लाइफ कितनी रिस्की है और किस किस टाइप के क्रिमिनल का सामना उनसे होता है और वो उनसे कैसे निपटते हैं, ये सब आपको इस सीरीज को कम्प्लीट देखने पर ही पता चलेगा, और ये सीरीज ऑफिशियली सोनी लिव पर रिलीज की गई है। नंबर 2 पे है शकीला। ये सीरीज बायोग्राफी और ड्रामा पर बेस है जिसमें आपको पंकज त्रिपाठी एक स्टार के रूप में देखने को मिलेंगे जो एक शकीला नाम की लड़की को फिल्म में काम करने के लिए रख लेते हैं, और वो लड़की पूरी इंडस्ट्री में अपने हॉट और रोमांटिक सीन से धमाल मचा देती है। साथ ही ये सारी कहानी एक रियल एडल्ट स्टार शकीला पर बनाई गई है, और ये सीरीज ऑफिशियली जी म्यूजिक द्वारा रिलीज की गई है। नंबर 1 पर है फॉरगॉटन आर्मी। ये सीरीज एक्शन ड्रामा और हिस्ट्री पर बेस है जिसमें हमारी पहली इंडियन आर्मी आजाद हिंद फौज की कुर्बानी दिखाई है कि कैसे उन्होंने अपने परिवार, जाति, धर्म सब कुछ छोड़कर एक सच्चे हिंदुस्तानी होने का फर्ज निभाया और इस देश को गुलामी से आजाद करवाने में अपना पूरा सहयोग दिया, जिसे आपको एक बार जरूर देखना चाहिए, और ये सीरीज ऑफिशियली अमेज़न प्राइम द्वारा रिलीज की गई है। तो आज का काउंटडाउन तो यहीं पर एंड करते हैं, पर जिस भी भाई को ये सारी सीरीज फ्री में देखनी है वो अपने दुर्लभ प्राणी टेलीग्राम को अभी जाकर ज्वाइन कर लो, और ज्वाइन करने का तरीका
कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरा हौसला बढ़ाने के लिए एक लाइक और नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर कीजिएगा। बाकी मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।